तो भूकंप से तबाह होते हुए तुर्की के लिए भारत ने मदद भेजी है। मुसीबत की घड़ी में सहायता भेजने पर तुर्की ने भारत की तारीफ भी की। भारत में तुर्की के राजदूत फरात सुनेल ने ट्वीट कर लिखा, अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि तुर्की और हिंदी दोनों भाषाओं में ये ट्वीट है, दोस्त शब्द होता है दोनों ही भाषाओं में इसका। और आगे वो लिखते हैं, हमारी एक तुर्की में कहावत है, दोस्त वही जो जरूरत में काम आए, बहुत बहुत शुक्रिया भारत। तो ये ट्वीट किया गया है तुर्की के राजदूत की तरफ से, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है तुर्की और रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। तो तुर्की में आए भयंकर भूकंप के बाद वहां राहत और बचाव के लिए कई देश सामने आए हैं। मेक्सिको की रेस्क्यू टीम भी आज तुर्की पहुंच गई है, राहत और बचाव सामग्री के साथ ही रेस्क्यू के लिए जरूरी उपकरणों के साथ पहुंची है। साथ ही मेक्सिको की टीम तुर्की पहुंची है। तुर्की पहुंची टीमों में मेक्सिको की एक मेडिकल टीम और प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड की टीम भी शामिल है। तो सिर्फ भारत ही नहीं, मेक्सिको भी जो है वो मदद के लिए पहुंच चुका है। तुर्की मेडिकल टीम और प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो पहुंच चुकी है फिलहाल तुर्की, क्योंकि सारी दुनिया जो है वो इस भूकंप के बाद हिल चुकी है। जिस तरीके से तुर्की में चंद सेकंड्स में ताश के पत्तों की तरह ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स धराशायी हो गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जिस वक्त भूकंप आया था उस वक्त क्या मंजर था तुर्की का, इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये देखिए ऊंची हाईराइज जो बिल्डिंग है वो कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है, चारों तरफ सिर्फ धूल का गुब्बार रहता है। दूर खड़े जो लोग थे उनमें से कुछ एक ने वीडियो जरूर बना लिया। बिल्कुल, तो गाड़ियों में कैसे आग लग जाती है ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, क्योंकि तुर्की में महातबाही मची और तबाही की तस्वीर आप देखिए, पाई पाई करके आशियाना बनाया जाता है, लोगों का आशियाना उजड़ गया, उनके अपने उनसे दूर चले गए और अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हवाई जहाज से इस्तांबुल पहुंचे, क्योंकि लगातार वहां पर जो है इस्तांबुल घायलों को पहुंचाया गया है, लगातार वहां पर मदद जारी है ताकि जो जिंदगी की जंग इस वक्त लड़ रहे हैं उनको बचाया जाए, उनको हर संभव मदद पहुंचाई जाए और समय से उनको इलाज मिल पाए। तो मलबे के बीच में लोगों की जिंदगियां दबी हुई हैं और उन्हीं जिंदगियों को ढूंढने का काम लगातार किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बेहद भावुक कर देने वाली ये तस्वीर, जहां पर मलबे में किस महिला एक दबी हुई थी जिसका रेस्क्यू किया गया। सिर्फ महिला नहीं, एक बच्चे की भी तस्वीर सामने आई थी कि आखिर उस बच्ची का किस तरीके से रेस्क्यू किया था, जिसके बाद वो सिर्फ अपनी माँ का नाम पुकार रही थी। और भूकंप से तुर्की में तबाही की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जितनी देर में आप पलक झपकेंगे देखिए किस तरीके से ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वहां पर धराशायी होगी। लोगों को समझ नहीं आया कि अचानक जो है ये क्या हुआ, और जब देर रात ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला था। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर उनके अपने गए तो गए कहां। ये सड़क पर खड़ी हुई बस आप देख पा रहे हैं, जिस समय भूकंप आया हिचकोले खाने लग गई बस, ऐसे झटके बस में लग रहे थे कि दूर खड़े लोग भी इसे देखकर डर गए, सहम गए। तो भूकंप से किस तरीके से बस हिली, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो तुर्की से सामने आई है। विनाशकारी भूकंप, इससे पहले भी तुर्की कई बार भूकंप का दंश झेल चुका है, लेकिन कल जो भूकंप आया है उसके बाद वहां पर 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है, कई लोग घायल हैं और कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। News 18 India की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।